नमस्कार, जय माता दी। सुस्वागत अभिनंदन, मैं हूँ डॉक्टर वायरा की 5 मिनट स्टोरी में। उम्मीद है आपके नवरात्रि बहुत अच्छे से गए होंगे। हनुमान जयंती आ रही है, हनुमान जी के जन्मदिन के उत्सव की तैयारी करना शुरू कीजिए। एक मजेदार कहानी सुनिए जो परिवार से रिलेटेड है। एक राजा था, एक सेठ था, राजा नहीं, एक सेठ था। एक सेठ के घर में एक बकरी थी, एक तोता था, एक मुर्गा था और आराम से वो रहते थे, उन्हें पालता था। सेठानी उनका बड़ा ध्यान रखती थी। एक दिन उनके घर में चूहा आ गया, वो सेठानी जी के कपड़े काटने लगा। सेठानी जी बड़ी परेशान हुई। सेठानी जी बाजार गई और जाकर एक चूहेदान लेकर आ गई, चूहे को फंसाकर बाहर छोड़ने के लिए। चूहा गया इन तीनों के पास, मुर्गे को बोला मेरी रक्षा करो, मेरी हेल्प करो, तोते को बोला, बकरी को बोला। सब ने बोला भाई तेरी समस्या तू जान, तेरा काम है, हमें मतलब नहीं है। रात को चूहेदान को लगाया गया, उसमें पनीर डालकर खट की आवाज़ आई तो ऐसा लगा सेठानी को कि चूहा आ गया। वो देखने गई तो वहाँ पे एक सांप बैठा था, सांप ने सेठानी को काट दिया। सेठ जल्दी से उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने कहा इसे तो सिर्फ और सिर्फ जो तोते का सूप है वो पिलाया जाए तो ये जहर कट सकता है, और कोई तरीका नहीं है। वैसे वो तोते से बहुत प्यार करता था पर अपनी बीवी को भी तो बचाना था। उसने तोते की बलि दे दी, सूप पिलाया गया, वो सेठानी ठीक हो गई, घर आ गई। घर पहुँची, सब लोग हाल पूछने आए, दावत हुई तो सबको खाना खाना था। तो मुर्गा और जो बकरी थी उसकी कुर्बानी दे दी गई और उन्हें भोजन में दे दिया गया। चूहा बेचारा ये सोचने लगा कि काश उस टाइम पे इन लोगों ने मेरी मदद की होती तो आज मैं इनकी मदद करता। सबसे बड़ी बात, चूहा दान ही नहीं आता, चूहा दान नहीं आता, रानी रात महा जो सेठानी थी उठती नहीं, उसको सांप काटता नहीं। ये छोटी सी कहानी से मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रही हूँ कि वक्त आने पर अपने परिवार वालों का साथ ना दो तो आप जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। यूनिटी में ही सब कुछ है, तो मिलकर परिवार का साथ और सहयोग देकर चलें। इकट्ठे रहेंगे तो यकीन रहिए सुरक्षित रहेंगे। अब इस कहानी को अपने परिवार वालों के साथ, अपने नियर एंड डियर के साथ शेयर जरूर करें। कमेंट्स में जय माता दी लिखें। अपने और अपने का बहुत खास ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।